कौन सा गुड आफ्टरनून सर थैंक यू सर मनीषा जी सर कौन सा ट्राइबल फोक डांस है, आपका? Uh, sir, है।, uh, sir, है।, है एक्ष, ये आपका सर भगोरिया ट्राइबल फोक डांस है कहाँ है ये एग्जिस्ट करती है ट्राइब सर ये मध्य प्रदेश में सर भील ट्राइब सर उसमें किया जाता है भील जी सर अच्छा कोई ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है भारत में जो इंडेंजर्ड है सर अंडमान निकोबार के कुछ ट्राइब्स हैं सर जैसे जारवा और निकोबारी भी है सर होंगे अंडमान के अलावा सॉरी सर मुझे अभी अंडमान निकोबार का ही आईडिया है सर ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप

और सिक्स शेड्यूल में सर चार स्टेट में ये लागू होता है जो आर्टिकल टू फोर्टी फोर टू में है तो सर जो चार स्टेट हैं असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा तो इनको क्यों अलग रखा गया है इन चारों को सर जो हम दस स्टेट अलग रखे गए हैं सर उसका मेन रीज़न ये है कि सर जो नॉर्थ ईस्ट के जो चार स्टेट हैं सर वहाँ की जो एथनोसिटी है सर वो थोड़ी डिफरेंट है और वहाँ का जो ट्राइबल्स का कल्चर है सर वो मेनलाइन इंडिया के ट्राइबल कल्चर से थोड़ा डिफर करता है तो सर इस वजह से उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए तो वो तो फिर अरुणाचल में भी होगा नागालैंड में भी होगा जी सर फिर उनको क्यों नहीं रखा उसमें सर उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजन इनर लाइन परमिट का जैसे प्रोविजन किया गया तो वो सिक्योरिटी मिल जाती है जो कल्चर का प्रिजर्वेशन है अच्छा ये बताइए आप कि आ, ट्राइबल वेलफेयर की पॉलिसी जितनी भी बनी भारत में जी सर क्या उसमें कोई ऐसा फॉल्ट आपको दिखता है जिसने ट्राइबल्स को इंसर्जेंसी की तरफ मोटिवेट कर दिया सर इसमें हम लोगों ने काफी प्रोविजन किए और पॉलिसी वगैरह भी चलाई है बट जो मुझे मेन लगता है कि हम अब तक उन तक नहीं पहुंच पाए या मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ पाए तो सर मेन फॉल्ट सर एक ट्रस्ट डेफिसिटेट तो जो ट्राइबल ग्रुप्स का और गवर्नमेंट का देखा जाता है तो सर इसका एक रीज़न ये है कि जो उनकी लैंग्वेज है हम उन उसकी लैंग्वेज में उन्हें समझा नहीं पाए हैं तो सर एक ही ये देख सकते हैं तो अभी ऐसा क्या किया है उसको इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सर लैंग्वेज का जो हमने बैरियर तोड़ने की कोशिश की उसमें सर जो हमारी आठवीं अनुसूची में लैंग्वेज है बावीस लैंग्वेज सर उसमें काफ़ी सारी ट्राइबल लैंग्वेज को हमने उसमें जगह दी है जैसे सर संथाली को दी है बोडो लैंग्वेज को दिया हुआ है तो सर जो एक लैंग्वेज को लेकर उनका कंसर्न था उसको हमने एड्रेस करने की कोशिश की और जो सर दूसरा ट्रस्ट डेफिजिट का है तो सर उसके लिए हमने पैसा एक्ट लागू करने की कोशिश की तो जो उनके सर ग्राम सभाएँ हैं उनको काफ़ी सशक्त किया गया है तो सर जो ये ट्रस्ट ट्रस्ट डेफिजिट है उसको हम काफ़ी पी आर की ग्राम सभा और पैसा की ग्राम सभा में बेसिक डिफरेंस क्या है सर जो पैसा की ग्राम सभा बनाई जाती है उनको सर काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी दी गई है जैसे खनिज से संबंधित जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर उनसे संबंधित जल संसाधन से लेकर और सर इनमें जस्टिस का जो प्रोविज़न किया गया है कि वो उनकी जो ग्राम के मुद्दे हैं उनको लेके जो ग्राम न्यायालय की स्थापना कर सकती है सर उनके जो प्रथाएं हैं उनके अकॉर्डिंग उसको कंजर्व कर सकती है आपका जो राज्य है मध्य प्रदेश जी सर वहाँ ऑल विमेन पंचायत और ऑल विमेन एस बहुत पॉपुलर है तो सर्व महिला पंचायत सॉरी सर इस बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं मैं सर, सर महिला एसएसजी सुना है एसएसजी सेल्फ हेल्प ग्रुप जी सर इसके बारे में सुना है क्या काम करती है एसएसजी सर सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये होता है कि जो सर समाज के आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुई महिलाएं या फिर अदर ग्रुप से सर उनके हम लोग लगभग दस दस लोगों का

जो ग्राम पंचायत है उसमें जीवन ज्योति एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो सर उन्होंने रजिस्ट्रेशन का मुझे कंफर्म आइडिया नहीं बट उन्होंने उनकी जो स्कीम्स थी जो प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों की ड्रे, ड्रेस वगैरह सिलवाने के लिए तो उसके लिए लगभग काफ़ी अच्छा वर्क किया था उन्होंने सर मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश इज द हार्ट ऑफ इंडिया मैंने आप पूरे मैप में देखे मध्य प्रदेश की क्या कोई मेरे को आप छः सात ऐसे यू बताइए यू मतलब कि जो मध्य प्रदेश के पास है बट दूसरों स्टेट के पास नहीं है हर स्टेट की यूएसपी है जी सर हाँ बताइए सर फर्स्ट तो यही कि हार्टलैंड ऑफ इंडिया है ये जो हृदय प्रदेश कहा जाता है फर्स्ट आपने जो बताया सर वही है सेकंड सर टाइगर स्टेट है चीता स्टेट है फॉरेस्ट सर इंडिया में सबसे ज़्यादा एमपी में है सर इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन ट्वेंटी वहीं पर है सर अभी मैं यही रिपोर्ट कर पा रही हूँ। ओके okay. रानी झांसी जी सर टेक केयर दुर्गाबाई देश जी यस बहुत सारी चार पांच ऐसी हैं सर। जिनका सर। हम दिल्ली में वो देखते रहते हैं अलग-अलग में हाउ कम क्या मध्य प्रदेश की क्या वैसी चीज है जैसे कि इतने लेडीज में खास करके वॉरियर्स इस तरह से निकलते हैं आ, सर वहां पर हम यदि समाज को देखें तो सर जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर वंश की शासिका देवी फिर सर दुर्गावती गोंडवाना की शासिका हाँ, नाम बट सर, क्यों क्या आपकी मिट्टी में है जिससे लेडीज में इस तरह के वो निकलते हैं सर जो समाज का क्यों को मैं लेकि... क्यों पूछ रहा हूँ और कैसे समझ तो सोच। सोचे बताइए बताइए सर जो महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है, तो सर इसका रीजन मैं ये देख पा रही हूँ आपने कंप्यूटर साइंस में बी किया है जी सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सब के बारे में पता है आपको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन ये सब जो है ब्लॉक चेन काफी वाकिफ है जी और एजुकेशन सेक्टर में भी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस काफी जोर से आ रहा है चैट जीपीटी और बाढ़ ये सब सुना हुआ क्या इनका एजुकेशन सेक्टर में आना जरूरी है या किस लेवल तक आना चाहिए और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन योर हाउस योर बोथ पेरेंट्स और टीचर्स जी सर सर यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजुकेशन में इम्पेक्ट देखें तो सर इसमें एक तो ये हो रहा कि लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे लेवल में पहुंचेगी डिस मैनर में जिसकी बात हम एजुकेशन की करते हैं सर फर्स्ट ये हो पाएगा सर इससे क्रिएटिविटी का एक मौका मिल रहा है सर इनोवेशन बढ़ रहा है तो जो एजुकेशन का ओवरऑल हमारा सिस्टम है उसमें सर ये चेंजेस दिखेंगे बट सर इसमें जो कुछ कंसर्न्स आ रहे हैं प्राइवेसी का और स्टूडेंट्स को लेके और सर कुछ इंफॉर्मेशन है वो मिसलीड कर दी है तो सर ये कंसर्न्स हो सकते हैं नो हाउ डू वी सेव द जॉब्स ऑफ अ टीचर विद एआई कमिंग इन टू टीचिंग ये सर, मेरे, ये सर, मेरे, सर, मेरे को इसका आंसर बताइए सर सर एआई हाउ डू आई सेव योर फादर मदरस जॉब intelligence आपको पता है भी काफी कर रही है जी sir. Uh, बता ये बताइए कैसे कैसे सर, AI को लेके मेरे को वेरी क्लियर बताइए कि दीज आर थिंग्स एआई आई डू दीज आर थिंग्स टीचर कैन डू दीज आर थिंग्स नॉट डिजायर्ड ए बी सी डी ऐसे करके थोड़ा करके सर एआई बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे सकता है उन्हें एग्ज़ाम के लिए एक प्रिपेयरनेस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो तो प्रोवाइड करवा सकता है बट टीचिंग ओवरऑल बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो प्रोफेशन है वो नहीं है बच्चों के साथ जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है जो ओवरऑल स्कूल के इन्वायरमेंट में आके बच्चे सीखते हैं जो कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर किसी क्षेत्र में लग रहा है तो टीचर एक एक को जो आइडेंटिफाई करके वर्क करता है तो सर वो ए नहीं कर सकता है ये मनीषा हमारे देश के कानून में आ, पब्लिक सर्वेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ लॉज हैं उसके बारे में कुछ आपको आइडिया है सर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल थ्री वन वन जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ आर्टिकल थ्री वन वन है और सर इसके लिए फिर कुछ रूल्स वगैरह भी सर मुझे एग्जैक्ट उनके बारे में आइडिया नहीं बट कुछ रूल्स और जो सी है उसमें भी है सर एक जो मैं याद कर पा रही हूँ में कोई वर्क पब्लिक सर्वेंट करता है तो अभी उसके जो है अभी एक लेटेस्ट नियो पैनल कोड में एक चेंज आ रहा है उसके बारे में आपने सुना है कुछ ah, sorry, sir, इस बारे में नहीं, नहीं अच्छा ये सिविल सर्वेंट का बता सिविल सर्वेंट कौन है

सर इसका जो हम देखते हैं जो डिफरेंस देखा जाता है कि एक service होती है और civil servant, जो civil purpose के जो के करते हैं तो सर एक किसे लिया जाता और और public servant में, जो से किया जाता है मतलब में जो से किया तो सर उन्हें सिविल सर्वेंट में हम लोग और public servant कौन है सर पब्लिक सर्वेंट में सर जो डिफेंस के भी वर्क किए जाते हैं सिविल सर्वेंट है क्या है वो?

लॉ आने वाले हैं उसके बारे में कुछ ध्यान है कुछ देखा है आपने सर मैं एग्जैक्टली नहीं याद कर अच्छा तो आ, प्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अभी क्या-क्या इम्पोर्टेंट लॉज है देश में सर यदि वुमेन्स देखें तो हमारे पास दहेज प्रतिषेध से रिलेटेड एक कानून है घरेलू हिंसा से रिलेटेड एक कानून है और जो सर वर्क प्लेस पे हरासमेंट होता है उसको दूर करने के लिए कानून है टू का और सर यदि हम का देखें तो पास को एक्ट है हमारे पास और बाल विवाह रोकने के लिए भी अच्छा, आपके स्टेट में जो क्या स्टेटस है क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन का सर वुमेन्स का यदि देखें तो इंडिया नेशनल एवरेज सर एनसीआर में सर इसमें सेकंड रैंकिंग है इंडिया की वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम में कौन कौन से क्राइम बहुत ज्यादा है

तो उसमें सर यदि कोई पुलिस थाना जो उनके अंडर में एरिया नहीं भी आता है बट यदि किसी वुमेंस के अगेंस्ट क्राइम होता है तो वो जाके वहाँ पर कंप्लेन करवा सकती है भले वो एरिया उस पुलिस थाने के अंडर आता हो या ना आता हो मनीषा क्रिप्टोस क्या है आजकल अस... बहुत ज्यादा सुनते नहीं इनके बारे में तो सर क्रिप्टो एक तरह का कोड होता है जिससे हम

जिसे मनी कहते हैं या कॉइन्स कहते हैं या करेंसीज कहते, कहते हैं उसके क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं एक तो सर ये स्वीकार किया जाता है स्वीकार किस तौर पर किया जाता है सर हम लोग एक्सचेंज करते हैं सर एक तो मुद्रा का मूल्य इसका सॉरी सर मैं शायद वर्ड्स में हो गया तो सोचिए बोलिए आराम से सर मुद्रा का मूल्य संचित करता है दूसरा सर हम इसे जैसे वस्तु में विनिमय विनिमय वस्तुओं का किया जाता है बट इसमें हम किसी वस्तु के बदले वो पैसा पर्टिकुलर दे सकते हैं सेकेंड सर ये किसी संप्रभु इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त होती है तो इन मानकों पर जो मानकों का आपने अभी जिक्र किया क्रिप्टो करेंसी किस मानक पर खड़ा नहीं उतरता है? सर संप्रभुता जो एक गवर्नमेंट इकाई द्वारा दी जाती है इसे मैं धारक को जो हम इंडियन करेंसी में देखते हैं मैं धारक को इतने अमाउंट अदा करने का वादा करता हूँ तो ये जो संप्रभुता है जो आज का वैश्विक आज की वैश्विक व्यवस्था है ये संप्रभुता किस पर दिया गया है क्या व्यक्ति संप्रभु है परिवार संप्रभु है प्रदेश संप्रभु है या केवल देश संप्रभु है सर इसमें देश की संप्रभुता है और देश का कुछ लेना देना नहीं है क्रिप्टो करेंसी से सर है

टैक्स लगाने का कहा गया है तो सर ये एक देश की संप्रभुता का मुद्दा है तो सर इसमें लगाया जाना चाहिए क्योंकि ओवरऑल और और जो करेंसी का फ्लो होता है सर इस वजह से अच्छा तो जो अमान्य चीजें हैं उस पर भी हम टैक्स लगाएं तो ऐसा नहीं होता है सर, ये नहीं है, सर इस वजह से हम उसे हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं सर क्योंकि वो एक जो हमारी सेंट्रल बैंक है सर उसकी अथॉरिटी को वो कर रहा है मनीषा uh, आपने लिखा है कि आप बाइक राइडिंग पसंद करती हैं जी मैं. उसका मतलब क्या है uh, क्या मैं, है मैं, exactly. मैं, मैं, मैं नॉर्मल बाइक चलाती हूं, तो मैं वही है इसका से रिलेटेड बाइक से रिलेटेड मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल

कि काफी क्लोज आपका कोई एसोसिएशन रहा है आपने उनको क्लोजली देखा है जी मैम मैं क्लोजली ऑब्जर्व ऑब्जर्व किया है कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज बताइए मैम जैसे मैं मैं जिस ट्राइब से बिलोंग करती हूँ उसके कुछ मैं विशेषताएं बनाना बताना चाहूंगी फर्स्ट हाँ, ये जो हम लोग देखते हैं कि हमारे जैसे शादियाँ होती है उसमें अग्नि के फेरे न लगाते हुए पेड़ के हम लोग फेरे लेते हैं सेकेंड uh, जो हमारे यहाँ जेंडर सेंसिटिवाइज का काफ़ी किया जाता है okay. उसमें जब दुल्हन के लिए ड्रेस जाती है तो पहले वो लड़के को पहनाई जाती है ताकि उसकी जेंडर की सेंसिटिविटी और उसके जो कपड़े हैं उससे वो समझे एक जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल लिविंग सिस्टम पाया जाता है जिसकी वर्तमान में हम लोग बात करते हैं तो वो मैम हमारी ट्राइब में काफ़ी पाया जाता है ट्रेडिशनल मैनर okay. में तो मुझे ये दिखता है ओके okay. uh, अगर जैसे ट्राइब को अगर हम कास्ट में डिवाइड करके डिवाइड करें तो आपका इस पे क्या व्यू है क्या विचार है मैम कास्ट का देखें तो उसमें एक पर्टिकुलर हायरार्की है बट ट्राइब में देखें तो हायरार्की का सिस्टम नहीं है उसमें जो एक सामुदायिक समता की बात होती है हुँ. तो ये काफी अलग थिंक्स मुझे लगती है मैम तो आपकी कम्युनिटी में सिस्टम्स uh, जो हैं अभी भी वही इंटैक्ट है जो पुराने चले आ रहे हैं ट्रेडिशन मैम जो आ, ट्रेडिशन है वो जो समाज के लिए अभी भी आधुनिक है और रिक्वायर है वो चीजें चल रही हैं हैं कुछ प्रथाएं होती उन्हें बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है तो ये कौन काम करता है उनको बदलने का मैम ये जो गाँव के पूरे बुजुर्ग लोग है वो मिल के सबकी भागीदारी से आपसी सहमति से इसका किया जाता है

तो ये भी एक अट्रैक्शन का रीज़न हो सकता है uh, क्या क्वालिटी है इंडिया की ऑलरेडी क्वालिटी मतलब सिस्टम फंक्शनिंग की क्वालिटी सॉरी मैम मैं क्वेश्चन नहीं समझ मतलब जो गवर्नेंस की क्वालिटी क्या है मैं उस एंगल से पूछ रही हूँ मैम हमने को अभी रीसेंट ब्रेक थ्रू हुआ है एफडीआई का सॉरी मैम मैं एग्जैक्टली नहीं कॉइंस करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कॉइन करेंसी होती है वो लाइबिलिटी साइड कौन सी साइड होती है और या एसेट साइड होती है आरबीआई बी आई के लिए लाइबिलिटी होती opinion. है लाइबिलिटी होती है और दूसरी साइड क्या क्या चीज़ें होती हैं हम लोगों के लिए वो हमारे लिए एसेट होती है कंट्री के लिए हाँ एसेट्स में क्या क्या आता है कंट्री के एसेट में हाँ सॉरी मैं शायद क्वेश्चन लाइबिलिटी कैसे बनता है

आरोपित और संग्रहित नहीं किया जाएगा जी सर पढ़ा होगा जी सर इस आर्टिकल में है कोई बात नहीं अभी आप क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन की बात कर रही थी जी सर अगर हमने टैक्स कर दिया उसको जी सर और बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के हम टैक्स कर नहीं सकते तो क्या ऐसा कहा जाए कि टैक्सेशन करने के बाद हमने उसको लीगलइज कर दिया है सर लीगलइज तो हमने नहीं किया है बट चूंकि

सर, जो अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह होता है सर जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो सर जो कमेटी होती है उसमें गवर्नमेंट के भी एक या दो मेंबर होते हैं तो सर उनका जो इनपुट है वो भी हम ले लेते हैं और जब सर फिजिकल पॉलिसी बनाई जाती है तब भी हम कई सारे जो रिकमेंडेशन लेते हैं तो सर वो आर के थ्रू भी ले लेते हैं तो सर हम बैलेंस बनाने की पूरी कोशिश करते ताकि ओवरऑल इम्पेक्ट उसका पॉजिटिव में रहे ऐसा कोई मिसमैच नहीं होता है सर जहां तक है फुलफिल कर दिया जाता है मुझे लग रहा है ठीक है थैंक थैंक यू। यू सर मैगम सर सर कोई स्पेसिफिक इनपुट।

I'm just saying China, all that you should know this। बजट भी है कुछ ठीक है एवरी थिंगाइन थोड़ा सा कंटेंट रहेगा तो, तो <laughs>

प्लेजेंट है इंटरेक्शन पूरा प्लेजेंट रहा और एक स्टडीड अप्रोच है मसलों के प्रति आपका एक स्टडीड अप्रोच है विच इज़ नोट वर्थी तो थोड़ा कंटेंट डोमेन एक्सपर्टीज थोड़ा बढ़ा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा आपका बहुत तो अच्छा हो जाएगा फील गुड अबाउट योर सेल्फ

श्री गुबेरा और वो भी तो श्री गुबेरा वो हाँ, हाँ और अच्छा, अच्छा। भी तो जो क्या महादेव या क्या नाम है इंडिया नहीं नहीं इंडिया में वो जो शंकर का ये शिवरात्रि अच्छा वो वाले शिव शिव, शे, के क्या विश्व गुरु क्या सदगुरु अच्छा वो हाँ वो बाइक पे चलते हैं अच्छा उनको आपने शिव भी बता दिया अभी देश ऐसे चल रहा है